केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई छेड़ रखी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के विरोध में कमान संभाली हुई है। राहुल गांधी ने आज तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ खेती का खून तीन काले कानून नाम से अपनी पार्टी का एक बुकलेट जारी किया। कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बता केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। किसानों का हक छीनने, कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे कुछ सवाल किए थे। जब राहुल से इन पर जवाब मांगा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि वो कौन है, क्या वो मेरे प्रोफेसर हैं जो मैं उन्हें जवाब दूं? ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? ये कौन है? ये क्या, ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। दरअसल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को देश की जनता और किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कुछ सवाल पूछे थे। नड्डा ने राहुल गांधी से सोशल मीडिया के जरिए दर्जनों सवाल पूछे थे, जिनमें से कुछ अहम सवाल ये हैं। कांग्रेस किसानों को उकसाना और बहकाने का काम कब बंद करेगी? यूपीए सरकार द्वारा स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों रोका गया और एमएसपी को लागू क्यों नहीं किया गया था? राहुल, उनका राजवंश और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से समेत हजारों किलोमीटर जमीन चीन को किसी और ने नहीं बल्कि पंडित नेहरू ने गिफ्ट कर दी थी। क्या राहुल इससे इनकार कर सकते हैं? क्या राहुल चीन और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस के एमओयू को रद्द करने की मंशा रखते हैं? क्या राहुल अपने पारिवारिक ट्रस्ट को चीन से मिले दान को लौटाना चाहते हैं? आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान भी इस मुद्दे पर सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बनाए जाने के बाद भी ये मुद्दा फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।